हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 28 फीट बाई 45 फीट के प्लॉट का हाउस प्लान डिजाइन। यह ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, इसके एक साइड रोड जा रही है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टीज है। इस प्लॉट का एरिया 1260 स्क्वायर फीट है, यदि यार्ड में कहें तो 140 स्क्वायर यार्ड है। रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें यह 3 BHK डिजाइन करना है, जिसमें 2 बेडरूम चाहिए, 1 ड्रॉइंग रूम होना चाहिए, 1 किचन चाहिए, लॉबी होनी चाहिए, 2 बाथरूम होने चाहिए एंड 1 कार पार्किंग होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे किस प्रकार डिजाइन किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसे किस प्रकार डिजाइन किया है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 28 फीट बाई 45 फीट के प्लॉट का हाउस प्लान मैंने इस प्रकार विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ डिजाइन किया है। स्टार्टिंग में जो मेन गेट लगाया गया है यह 10 फीट वाइड है। मेन गेट से आगे बढ़ने पर हमें पार्किंग मिलती है, जिसका साइज 10 फीट 6 इंच बाय 10 फीट है। पार्किंग एरिया से आगे बढ़ने पर हमें स्टेयर मिलती है। यदि स्टेयर की डिटेल की बात करें तो स्टेयर 3 फीट 6 इंच वाइड है, इसका राइज 7 इंच है और ट्रेड 10 इंच है। यहाँ पर जो स्टेयर की लैंडिंग रखी गई है वह 3 फीट 6 इंच रखी गई है। यह स्टेयर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिजाइन की गई है। स्टेयर से आगे बढ़ने पर हमें मेन डोर मिलता है, जिससे हम लॉबी एरिया में जा सकते हैं। स्टार्टिंग में मेन गेट के बाद आगे ओपन एरिया रखा गया है। यहाँ पर रूफ का जो छज्जा रखा गया है वह 3 फीट वाइड है, पर इस साइड बाथरूम डिजाइन किया गया है। इस बाथरूम का साइज 7 फीट बाई 5 फीट है। इस डी डोर से अंदर आने पर हम ड्रॉइंग रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर ड्रॉइंग रूम का साइज 15 फीट 3 इंच बाई 9 फीट है। इस ड्राइंग रूम में दूसरा डोर इस साइड लगाया गया है, जिससे हम लॉबी में जा सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमें लॉबी मिलती है। लॉबी का साइज 17 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 9 इंच है। लॉबी के इस साइड किचन डिजाइन की गई है। यहाँ पर किचन का साइज 8 फीट बाय 7 फीट है। किचन के बाद आगे बढ़ने पर हमें इस साइड बेडरूम 1 मिलता है, जिसका साइज 13 फीट बाय 10 फीट 6 इंच है। इसी की साइड में बेडरूम 2 डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 12 फीट 9 इंच बाय 10 फीट 6 इंच है। इन दोनों बेडरूम के बैक साइड में D1 डोर लगाया गया है, जिससे हम वॉश एरिया में जा सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमें वॉश एरिया मिलता है, जिसका साइज 18 फीट बाय 5 फीट है। इस वॉश एरिया में हमने ओपन टू स्काई एरिया रखा है, जिसका साइज 5 फीट बाय 4 फीट है। इस साइड बाथरूम डिजाइन किया गया है, जिसका साइज 8 फीट बाय 5 फीट है। इस हाउस प्लान के डिटेल की बात की जाए तो उस प्लान में जो मेन डोर लगाया गया है, इसका साइज 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट है और जहां पर डी डोर लगाया गया है उसका साइज 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट है और D1 डोर का साइज 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट है। इस हाउस प्लान में 2 तरह की विंडो लगाई गई है, W एंड W1। W का साइज 5 फीट बाय 5 फीट है और W1 का साइज 4 फीट बाय 5 फीट है। वेंटिलेशन का साइज इसमें 2 फीट बाय 1 फीट रखा गया है। यदि कॉलम की बात करें तो इसमें 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम डिजाइन किए गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस हाउस प्लान का डिजाइन किया गया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।